ब्रेकफास्ट इशू आ रहा है मैग्नाइट टैक्सी में। आज कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। देखिए अभी मेरी गाड़ी में एक इशू आ गया था, ब्रेक और MID पर ब्रेक फॉल्ट एरर दिखला रहा था, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हुए थे। तो हमने रोड साइड असिस्टेंट पर कॉल किया था, तब फिर वहाँ से बंदे आए, पहले तो उन्होंने कहा कि पहले गाड़ी टो करके ले जानी पड़ेगी, लेकिन हमारी गाड़ी जहाँ पर पार्क है वहाँ पर टो वैन आने का कोई ऑप्शन नहीं था। तब फिर उन बंदों ने बैटरी मंगाई और उन जो भी रोड साइड असिस्टेंट की तरफ से आए हुए थे उन्होंने गाड़ी चेक की। चेक करने के बाद उनको ये समझ में आया कि ये ब्रेक का इशू नहीं है, ब्रेक प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, प्रेशर भी रिलीज हो रहा था प्रॉपरली, बस MID पे ब्रेक फॉल्ट आ रहा था और गाड़ी इग्निशन पे इग्निशन नहीं ले रही थी, जब भी सेल्फ ले ही नहीं रही थी। तो ये हुआ कि पहले बैटरी चेक कर ली जाए। तब बैटरी चेक की गई, MID पे डिस्प्ले उस टाइम प्रॉपर आ रहा था, कोई इशू नहीं था। फिर बाद में जब बैटरी चेक की गई तो बैटरी डेड निकली। ये इशू समझ में आ रहा है कि निशान मैग्नेट की बैटरी जो है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की है, और पहले भी काफ़ी लोगों की कंप्लेन इस बारे में देखी गई है कि इनमें स्टेयरिंग फेल, ब्रेक फेल, इस तरीके के ऑप्शन आते थे। अब फिर उन्होंने बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी गाड़ी स्टार्ट की, जैसे सेल्फ लगाते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई उनकी बैटरी से, और फिर उसके बाद से गाड़ी प्रॉपर वर्क कर रही है, अभी भी कोई इशू नहीं आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर कभी भी आपकी गाड़ी पे ब्रेक फॉल्ट इशू आता है और ब्रेक प्रॉपरली वर्क कर रहे हों, तब ये समझ लीजिए कि ये बैटरी का इशू है, बैटरी इसकी डाउन हो चुकी है। थैंक यू। और अभी मेरी गाड़ी के सारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है।